स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 44 डेली प्री क्विज के आंसर एवं उनके साथ ही डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है, हाल ही में किस देश ने मंदी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? मंदी के कारण आपातकाल की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका द्वारा मंदी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसके संस्थापक जो है हेनरी ड्यूरेंट माने जाते हैं और उन्हीं के जन्म दिवस के दिन 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 2022 की इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है, है ना? तो इसमें पहला दिया है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा इग्नू दिया हुआ है, तीसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और चौथा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा उत्कर्ष महोत्सव का 2022 का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में क्या किया जाएगा? संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है कि जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शा फिर से तैयार करना है, उसमें सीटें फिर से उसका परिसीमन करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ये उसके प्रमुख बने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नेशनल एजुकेशन निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? तो यह है पट्टाभी सीतारमैया की पुस्तक नेशनल एजुकेशन। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। उनकी अन्य पुस्तकें जो हैं वो है पहला आन खद्दार, दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा है फेदर्स एंड स्टोन्स। थोड़ा ये कुछ हो गया, आप लिख लीजिएगा। और अगली जो है कि इंडियन नेशनलिज्म भी इनकी पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तकें आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि नीति आयोग के शासी परिषद के सदस्य होते हैं, नीति आयोग के शासी परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पहला दिया गया सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरा दिया गया केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, तीसरा दिया गया सभी राज्यों के राज्यपाल और चौथा दिए गए ए और बी। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो है ए और बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो होते हैं नीति आयोग के शासी परिषद के सदस्य होते हैं, है ना? नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। वर्तमान में महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा। वर्तमान में रेखा शर्मा जो हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य महिला आयोग का गठन किस विधि के अंतर्गत हुआ है? यहाँ पास पूछा गया राष्ट्रीय नहीं पूछा गया, राज्य महिला आयोग का गठन किस विधि के अंतर्गत हुआ है? तो राज्य महिला आयोग का गठन जो हुआ है वो राज्य ने अपनी विधि मतलब अधिनियम अलग से बनाया था, उसके अंतर्गत हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन तो दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये तो बिल्कुल गलत होगा, मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 इसके तहत भी नहीं किया गया, राज्य खुद ही अपना अधिनियम लाया था। तो राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 यही हमारा सही ऑप्शन है कि राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत राज्य महिला आयोग का मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन हुआ है, है ना? इसका गठन कब हुआ? तो 23 मार्च
23 मार्च 1998 को इसका गठन हुआ। ये डेट आप याद रखिएगा, 1998 को इसका गठन हुआ। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्न पे देख चुके हैं कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, जबकि राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ है? 23 मार्च 1998 को गठन हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, तो ये लगातार दूसरी बार चयनित हुए हैं, दूसरी बार ये नियुक्ति किए गए हैं, विजय सांपला। हाल ही में इनकी नियुक्ति लगातार दूसरी बार हुई है, विजय सांपला इनके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा और यह एक आयोग होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 338 में ये वर्णित किया गया है। 338 का जो है ये राष्ट्रीय एसटी आयोग से संबंधित है ना, एसटी आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्रमशः किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? उनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को मंत्रियों का दर्जा प्राप्त होता है, तो कैसे किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है कि अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान महू की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1988 में। 1988 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म, वो तो 14 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर को हुई थी। 14 नवंबर 1988 को बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान महू की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एसटी आयोग को बोला गया है कि वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 338 के तहत ये राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है, तो पहला दिया गया है कि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, जो बिल्कुल सही है कि उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरा है गवाहों को उपस्थित हेतु समन करना, ये भी बिल्कुल सही है। गवाहों को हाजिर करना, दस्तावेज को ढूंढना या प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल सही है। और चौथा हमारा दिया गया है कि उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो ये इसका यही ऑप्शन उपरोक्त सभी सत्य हैं, सभी ये तीनों जो वाक्य दिए गए हैं ये तीनों सत्य हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये क्या है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया? अनुसूचित ये राज्य का दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग किस अधिनियम के तहत गठित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य एसटी आयोग है वो मध्य प्रदेश ने ही एक अधिनियम बनाया है, उसी के तहत उसे गठित किया गया है। तो ये कौन सा अधिनियम है यह हमसे पूछा गया है, तो यह है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995। ये पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995, इसी के तहत गठित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना। इसमें इसकी संरचना क्या होती है, 1+2 होती है, मतलब एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं इनके, और इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष, और इनकी नियुक्ति एवं त्यागपत्र जो होता है वो राज्य सरकार नियुक्ति करती है, और त्यागपत्र भी राज्य सरकार को ही दिया जाता है। इसकी अधिकारिता जो होती है वो सिविल न्यायालय की अधिकारिता होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो 5 मार्च 2007 को, 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ था, है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत हुआ है। बाल संरक्षण अधिनियम
2005 के तहत हुआ है। इसका नोडल मंत्रालय होता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो होता है वो इसका नोडल मंत्रालय होता है। और इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो शांता सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 16। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है हमको। तो पहला दिया गया है कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। 3 सदस्यीय चयन समिति होती है, उसके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। दूसरा दिया गया है कि इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। फिर अध्यक्ष का कार्यकाल यह दिया गया, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष जो भी पहले हो ये दिया गया है, है ना। और तीसरा जो दिया गया है, एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य नहीं होते, एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत होता है, है ना। इन सभी की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इन जो सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, इनमें 2 महिलाएँ होना आवश्यक है, 2 महिलाएँ होना अनिवार्य है, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति हुए तो उसकी योग्यता होती है, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए उसकी योग्यता क्या होती है। वह व्यक्ति जब कभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अध्यक्ष रहा हो, है ना, या रही हो, ये होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। वह व्यक्ति जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो, तो यही बिल्कुल सही है कि वह व्यक्ति जिसने जीवन पर्यंत बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो वही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए योग्य होगा। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर उनकी नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है, कितने दिनों के भीतर उनकी नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है। तो वो है 90 दिन के, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 90 दिन के भीतर, इसमें आप लिख लीजिएगा 90 दिन के भीतर इनकी पुनर्नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है, है ना, 90 दिन के भीतर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग निकाय है, केंद्रीय सूचना आयोग कैसा निकाय है, तो यह संविधिक निकाय है, संविधिक निकाय है। और ये किस अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग 2005 का गठन किया गया है, है ना। इसका गठन कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे देश में इसका गठन किया गया, ये लागू हो गया था, है ना। और वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो हैं वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना। जो आज का प्रश्न है कि जल मेट्रो योजना कहाँ चलाई जा रही है, जल मेट्रो योजना कहाँ चलाई जा रही है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर लिख के देना है। पहला जो दिया गया है कोच्चि, दूसरा दिया गया हरियाणा, तीसरा दिया गया तिरुवनंतपुरम, चौथा दिया गया चेन्नई। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है। और जो कल प्रश्न आपको दिया गया था कि वर्ष 2021 में किस देश ने दुनिया में सर्वाधिक रियल टाइम लेन देन किया है, तो उसका आंसर है भारत। भारत ने वर्ष 2021 में सर्वाधिक रियल टाइम लेन देन किया है, तो इसका भारत जो है इसका सही ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो आप यूज़फुल लगी हो, आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना ही आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी में सहायक होते रहेंगे। धन्यवाद, आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले नए प्रश्नों के साथ।